ये एक ऐसा बिल है जो चुनी हुई सरकार की तमाम शक्तियां चुनी हुई सरकार से खींचकर एक उपराज्यपाल को सौंप देता है, अनइलेक्टेड आदमी में सौंप देता है। और ये दिल्ली में डेमोक्रेसी खत्म करकर बाबूक्रेसी लागू कर देता है, लोकतंत्र खत्म करकर बाबू तंत्र लागू कर देता है। कानूनी उसको जमा पहनाने के लिए उसको हम सदन में लाएंगे, और जब भी आएगा हमारी तैयारी भी है, हम उस पर बात करेंगे। वो आज इंट्रोड्यूस हो सकता है, ऐसा मुझे भी लग रहा है। आज एक ऐसा बिल संसद भवन के भीतर लाया जा रहा है जिससे ज्यादा असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक बिल शायद ही कभी भारत के इतिहास में, संसदीय इतिहास में सदन के भीतर लाया गया हो। ये एक ऐसा बिल है जो चुनी हुई सरकार की तमाम शक्तियां चुनी हुई सरकार से खींचकर एक उपराज्यपाल को सौंप देता है, अनइलेक्टेड आदमी में सौंप देता है। और ये दिल्ली में डेमोक्रेसी खत्म करकर बाबूक्रेसी लागू कर देता है, लोकतंत्र खत्म करकर बाबू तंत्र लागू कर देता है। ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि पिछले 25 सालों से दिल्ली में भाजपा की सरकार नहीं बन पाई है। पिछले 25 सालों में 6 बार विधानसभा का चुनाव हुआ, मुख्यमंत्री चुनने का चुनाव दिल्ली में, 6 के 6 बार भाजपा हार गई। और जब से आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल जी राजनीति में आए, जब से आम आदमी पार्टी आई, तब से तो बीजेपी का सुपड़ा ही साफ हो गया दिल्ली में। तो अब शायद बीजेपी को ये लगता है कि ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी, दिल्ली में सरकार ही ध्वस्त कर दो, निरस्त कर दो, ताकि चुनावों का जो शोर है और जो भारतीय जनता पार्टी की लगातार हार है उससे मुक्ति मिले। दिल्ली के ऊपर जो अध्यादेश बना माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पे, उसको एक कानूनी उसको जमा पहनाने के लिए उसको हम सदन में लाएंगे, और जब भी आएगा हमारी तैयारी भी है, हम उस पर बात करेंगे। वो आज इंट्रोड्यूस हो सकता है, ऐसा मुझे भी लग रहा है, मगर ये सब लास्ट आवर में भी चेंज होते रहते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस अध्यादेश का विरोध अरविंद केजरीवाल कितने स्तर पे करेंगे। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ उनके भ्रष्टाचार का जो अधिकारी जांच कर रहा है, वो उसी को डराने के लिए, उसी को धमकाने के लिए, उसी का ट्रांसफर करने की ताकत चाहते हैं, जो यूनियन टेरिटरी में एक कमेटी के पास है। उस कमेटी का नंबर 1 सदस्य मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है, 2nd चीफ सेक्रेटरी, 3rd प्रिंसिपल होम सेक्रेटरी, ये तीनों डिसाइड करके जो भी देंगे वो LG उस पर अपना आदेश जारी करेंगे। इसमें किसी को क्या प्रॉब्लम हो सकती है? इसी आधार पे शीला दीक्षित जी ने काम किया, इसी आधार पे साहिब सिंह वर्मा जी ने काम किया, और इसी आधार पे हमारे मदनलाल खुराना जी ने, 6 महीना सुषमा स्वराज जी ने। तो मैं हैरान हूं कि अरविंद केजरीवाल को वो कौन सी पावर चाहिए जो यूनियन टेरिटरी के नियमों को उल्लंघन करके उनको मिलना चाहिए। ऐसे में उनका वो वादे कि मुझे गाड़ी नहीं चाहिए, मुझे बंगले नहीं चाहिए, मैं तो बड़ी आम आदमी हूं, वो सारे एक ड्रामा दिख रहे हैं। और अभी उनको चाबुक उन पे चलाना है जो भ्रष्टाचार की जांच कर रहा है। तो जो भ्रष्टाचार को सजा देने, भ्रष्टाचारी को सजा देने आया था, वो भ्रष्टाचारी को बचाने की औजार चाहता है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।